सो हेयर गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और आगे भी गाइज बढ़िया ही रहने वाले हो। तो यार आ गया है तुम्हारा भाई एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और यार देखो, आज की ये वीडियो गाइज बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रहने वाली है। देखो आज की इस वीडियो में गाइज मैं आप लोग को दो चीजें ऐसी बताने वाला हूं ना, जिसको गाइज अगर आप लोग फॉलो करते हो अपने डिवाइस में, गाइज यहां पर अप्लाई करते हो तो बिल्कुल रेड नंबर में आप लोग का डैमेज जाने वाला है। गाइज यार देखो, बहुत से प्लेयर की यार ये गलती रहती है, उन लोग को वन टैप हेडशॉट मारना नहीं आता, यहां पर रेड नंबर मैं डैमेज देना नहीं आ रहा है। सो गाइस यार डोंट वरी, आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक मैं आप लोगों को कोई हैक नहीं सिखाने वाला, कोई गाइस डीपीआई यहां पर चेंज करने को नहीं कहूंगा। जस्ट यहां पर गाइस मैं आप लोगों को दो सेटिंग्स बताने वाला हूं, दो तरीके गाइस आप लोगों को ऐसे बताऊंगा जिसको अगर आप लोग एक बार अप्लाई करते हो, एक बार फॉलो करते हो, तो आप लोग गाइस हर एक गन से बिल्कुल रेड नंबर में डैमेज देने वाले हो। जैसा गाइस आप लोग ये बैकग्राउंड में देख रहे हो ना, हर एक गन से डेजर्ट ईगल, वुड पेकर, शॉटगन, कोई सी भी गन होगी गाइस, आप लोग बहुत ही इजीली हेडशॉट भी कनेक्ट कर लोगे और आप लोगों की कैरेक्टर की मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज होने वाली है। और आप लोग खुद ही चेक करना, आप लोग की गेम प्ले बिल्कुल ओपी लेवल की जो है वो। सो गाइस फिर मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं कि कौन सी वो ऐसी सेटिंग्स है, कौन सी वो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप लोगों को फॉलो करनी है एक बेस्ट वन टैप हेडशॉट। तो हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो बंदा चैनल पर नया है, प्लीज यार नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल वाले आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर जो वो सेट जरूर, क्योंकि यार देखो चैनल को सब्सक्राइब करना ना और वीडियो को लाइक करना गाइस बिल्कुल फ्री होता है। सो बेधड़क गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी एक फैमिली का जो वो मेंबर बन जाओ। चलो फिर गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। ओके सो गाइज यार देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जस्ट गाइज आप लोग दो चीज में हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप लोग का परफेक्टली रेड नंबर में डैमेज आने वाला जिसमें है। गाइज देखो, फर्स्टली हमारा रहता है हमारी गेम्स की अपनी सेटिंग्स, जो कि गाइज देखो सेंसिटिविटी सेटिंग होती है और हमारे कंट्रोल होते हैं। अगर आप लोगों की सेंसिटिविटी सेटिंग आप लोग की डिवाइस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होगी ना, तो गाइज ये बहुत ही यहाँ पर आप लोग को हेल्प करने वाला है एक रेड नंबर में डैमेज देने के लिए। वहीं गाइज देखो, अगर आप लोगों के कंट्रोल्स बढ़िया होंगे ना, आपका कस्टम एचयूडी गाइज आपके थंब के हिसाब से बिल्कुल होगा, तो यार देखो आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से रेड नंबर कनेक्ट जो है वो कर सकते हो। गाइस देखो, फर्स्ट ट्रिक में गाइस मैं आप लोग को यही बताने वाला हूं कि आप लोग को अपनी फ्री फायर की सेटिंग्स में क्या क्या चेंजिंग करने हैं। और सेकंड ट्रिक में गाइस मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग को ड्रैग किस तरीके से खींचना है, आप लोग को अपना एम किस तरीके से सेट करना है जिससे आपकी गोली गाइस रिकॉइल नहीं मारेगी, डायरेक्ट हेड के ऊपर ही कनेक्ट जो वो होने वाली है। सो गाइस देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेंसिटिविटी सेटिंग। यार देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है गाइस, अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग में आ जाना है। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास टोटल यहाँ पर 6 तरह की सेंसिटिविटी सेटिंग होती है। देखो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर आप लोगों का डिवाइस लो एंड डिवाइसेस का है ना, लो एंड डिवाइसेस में गाइस देखो वो डिवाइसेस आते हैं जिसकी रैम 2GB, 3GB या फिर 4GB तक होती है। अगर आप लोगों का डिवाइस देखो लो एंड डिवाइस का है ना, सो गाइस देखो आप लोगों को हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप लोगों की जनरल की जो सेंसिटिविटी सेटिंग होती है हमेशा गाइस देखो 100 के ऊपर ही रहनी चाहिए। आप लोगों को इसे कभी भी कम नहीं करना है, आप लोगों की ये सेंसिटिविटी सेटिंग हमेशा 100 के ऊपर ही रहनी चाहिए। आप लोगों की करेक्टर की मूवमेंट स्पीड यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है और गाइस आप लोग अपना एम बहुत ही इजीली तरीके से कैच कर सकते हो और अपने एनिमी को रेड नंबर में डैमेज भी जो है वो दे सकते हो। सो आई होप गाइस आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी सेटिंग है, ओनली जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग। अगर आप लोग को बाकी की सेंसिटिविटी सेटिंग पे भी गाइस वीडियो चाहिए ना, तो यार देखो आप लोग मेरी अदर वीडियोस में जाकर देख सकते हो, वहां पर गाइस आप लोग को सेंसिटिविटी सेटिंग की काफी वीडियोस मिल जाएगी। तो अभी के लिए गाइस देखो, मैंने आप लोग को जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग का ही बताया है कि इसे गाइस आप लोग को हमेशा 100 के ऊपर ही जो है वो रखना है। गाइस देखो, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर कंट्रोल्स की बात करें ना, अपने गाइस कस्टम एचयूडी की बात करें, तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को सिर्फ एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है जो कि गाइस आप लोगों का रहने वाला है फायर बटन। तो यार देखो, एक फायर बटन का जो गाइस बेस्ट साइज और पोजीशन होता है ना, वो भी गाइस काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर रेड नंबर में डैमेज देने के लिए। तो यार देखो, अगर आप लोगों का डिवाइस लो एंड डिवाइसेस का है ना, तो यार आप लोगों का फायर बटन का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए और इसकी गाइस एक पोजीशन आप लोगों को थोड़ी नीचे की तरफ लेकर आनी है। इससे यार देखो आप लोगों को एक अच्छा खासा स्पेस मिलने वाला है, आप लोग गाइस अपने एनिमी के लिए बहुत ही तगड़ा स्पेस कन्वर्ट कर सकते हो और इजीली तरीके से हेडशॉट भी कनेक्ट जो है वो कर सकते हो। यार देखो गाइस, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग आई होप समझ गए हो कि आप लोगों को सेंसिटिविटी सेटिंग में क्या क्या चेंजिंग करने हैं और आप लोग को अपने कस्टम एचयूडी में अपने फायर बटन की बेस्ट पोजीशन और साइज जो वो क्या। तो ये तो गाइस देखो ट्रिक नंबर 1 था जो कि आप लोग की अपनी फ्री फायर की सेटिंग्स थी। अब यार देखो, मेन काम यहाँ पर रहने वाला है ड्रैग और हमारा एम। तो यार देखो, आप लोग को अपना ड्रैग किस तरीके से खींच रहे हैं, अपना एम किस तरीके से कनेक्ट करना है गाइस देखो बहुत ही इजी होता है यार, बहुत ही
सिंपल सी ट्रिक होती है। बहुत से प्लेयर यार यहाँ पे घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली यार देखो मैं आप लोग को तरीका बताता हूँ ना, जब भी गाइज आपका एनिमी क्लोज रेंज में आपके साथ फाइट कर रहा है ना, तो हमेशा गाइज ये चीज ध्यान में रखो कि आप लोग को हमेशा ड्रैग ही करना है, ठीक है। ड्रैग करते हुए गाइज आप लोग को हमेशा रोटेशन करना है। रोटेशन का मतलब गाइज देखो आप लोग को सिंपल ड्रैग नहीं करना है, आप लोग का जो फायर बटन होगा ना उसको गाइज आप लोग को रोटेट करते हुए अपने एनिमी के हेड के ऊपर। देखो यहाँ पर आप लोग को एक चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपका एनिमी किस तरफ को मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग का एनिमी देखो राइट की तरफ जा रहा है, तो आप लोग को ड्रैग जो है ना वो गाइस देखो राइट की तरफ रोटेट करना है। और वैसे ही अगर आपका एनिमी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो आप लोग को देखो लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हुए अपना ड्रैग जो है वो ऊपर की तरफ खींचना है। और देखो क्लोज रेंज में हमेशा ये चीज भी ध्यान में रखना कि जो आपका क्रॉस एयर होता है ना, जो आपका एम होता है, वो हमेशा गाइस देखो व्हाइट ही रहना चाहिए, आप लोग को इसे रेड बिल्कुल भी नहीं होने देना है। क्रॉस एयर गाइस देखो आप लोग का हमेशा लेफ्ट रहना चाहिए या फिर राइट रहना चाहिए, एनिमी की बॉडी की तरफ आप लोग को कभी भी नहीं रखना है, चिपका कर गाइस आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रखना है। फिर यार देखना आप लोग जैसे ड्रैग करोगे ना, आपका गाइस 110% यहाँ पर रेड नंबर में डैमेज जाएगा, आप लोग इजीली तरीके से हेडशॉट कनेक्ट जो है वो कर लो। तो यार देखो ये तो था क्लोज रेंज के लिए। अब यार यहाँ पर बात की जाए अगर आपका एनिमी लॉन्ग रेंज में आपके साथ फाइट कर रहा है, तब आप लोगों को गाइस किस तरीके से हेडशॉट कनेक्ट करना है, वन टैप हेडशॉट कैसे मारना है। देखो ये भी बहुत ही सिंपल सी बात है, जस्ट गाइस आप लोग अपना क्रॉस एयर रेड होने देना है। और जब भी आप लोग के पास डेजर्ट ईगल, वुड पेकर या फिर एसबीडी जैसी गन है ना, सिंपल गाइस क्रॉस एयर को रेड होने देना है और सिंपल गाइस ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, ठीक है। रोटेशन ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना है, सिंपल ऊपर की तरफ वो ड्रैग करना है। फिर आप लोग देखना गाइस आप लोग का हेडशॉट लगेगा ही लगेगा, जस्ट आप लोग को ये ट्राई करना है। फिर गाइस कमेंट बॉक्स में आना और बताना कि आप लोग का वन टैप हेडशॉट लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। यहाँ पर गाइस एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ, ये सब चीजें गाइस बिल्कुल आंख बंद करते ही नहीं होने वाली है, आप लोग को प्रैक्टिस भी करनी है। ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, वहां पर प्रैक्टिस करो, फिर गाइस आप लोग देखना आप लोग विद इन वन वीक के अंदर तो गाइस आप लोग प्रो प्लेयर बनोगे ही बनोगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी गाइस ये आप लोग की ट्रेनिंग के हिसाब से और आप लोग की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो और कितना टाइम देते हो। सो मेक श्योर गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोग को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यार देखो मेरा काम था आप लोग को ये टिप्स एंड ट्रिक देना, आप लोगों का काम है यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मेक श्योर गाइस आप लोग ये चीजें कर लोगे। तो बस यार गाइस चलता हूं मैं, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।